अराजकता फैलाने का काम, दंगे कराने का काम बीजेपी और आरएसएस करती, वो मैं नहीं कह रहा था, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं, सुनिए इसको। ठीक है, जवाब नहीं, गौरव भाटिया यही आप ही है ना, और ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो। ओ माय गॉड, आप कह रहे हैं देश भर में बीजेपी और दंगे करवाती है, ये गौरव भाटिया जी हैं, ये आप ही है ना सर? हाँ, ये देखिए ना, ये मैं भी इधर दिखाना चाहता हूँ, इधर ये शोएब जमाई है ना, आज के विषय में बताता हूँ, आज के विषय में सुनिए, माइक इनका, एक सेकंड, शोएब भाई हो गए, इधर आओ, ये आप ही है ना, गजब बेइज्जती है, चेहरा देखिए ना, मैं खूबसूरत है, आपकी दाढ़ी में तिनका है, अच्छा अपनी तिनका निकालिए, ये तिनके रखिए, अभी देखिए है ना, हो गया। और अगर भाजपा अपने नेताओं को और अपनी बी टीम आरएसएस और वीएचपी को नियंत्रित कर ले तो मेरे ख्याल से दंगे बिल्कुल खत्म हो जाए। बोलिए गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद, चुप, लाउड स्पीकर बंद, नहीं नहीं, गोड से मुर्दाबाद, गोड से हत्यारा था, गोड से मुर्दाबाद, क्या बोला तूने? ये गांधी जी के हत्यारे को मैंने हत्यारा माना, सूरत नहीं अच्छी, बहुत मुबारक आपने गोड से मुर्दाबाद, हमें गोड से मुर्दाबाद कहा इन्होंने, और गोड से मुर्दाबाद कहा।